बिग बॉस 13 शुरू हो चुका है और कॉन्टेस्टेंट का इंटरेस्ट सातवें आसमान पर है और घर की मालकिन अमीषा इस एक्साइटमेंट में और भी तड़का लगा रही हैं। घर के अंदर कंटेस्टेंट का पहला दिन राशन जुटाने में निकल गया। दरअसल एक टास्क के तहत घर वालों को राशन जमा करने के लिए अमीषा पटेल ने एक टास्क दिया था जिसमें कंटेस्टेंट को बिना हाथ लगाए मुंह से किसी भी सामान को एक दूसरे के पास पहुंचाना था। ये टास्क वैसे तो काफ़ी इंटरेस्टिंग था लेकिन प्रतियोगियों के लिए ये टास्क थोड़ा सा टफ भी रहा। इस टास्क के खत्म होने के बाद बिग बॉस ने सभी के लिए घर के अंदर राशन भिजवा दिया था। बिग बॉस के सीजन में घर के अंदर अमीषा पटेल को छोड़कर कुल 13 कंटेस्टेंट हैं जिन्होंने घर में भाग लिया है। इसमें अबू मलिक, आरती सिंह, असीम रियाज, दलजीत कौर, देबुलीना भट्टाचार्जी, कोयना मित्रा, मायरा शर्मा, पारस छाबड़ा, रश्मि देसाई, शेफाली बग्गा, शहनाज कौर गिल, सिद्धार्थ डे और सिद्धार्थ शुक्ला शामिल है। कॉन्टेस्टेंट के बीच बॉडी कलर और स्टेट्स को लेकर भी थोड़ी नोकझोंक हुई। शहनाज गिल ने अपने आने वाले दिनों में रिलीज होने वाला सॉन्ग भी सभी को गाकर सुनाया। वैसे घर के अंदर पहला दिन कंटेस्टेंट के बीच बहसबाजी भी जमकर हुई। पारस और आसिम के बीच एक गाने को लेकर काफी झगड़ा होता है। इसमें शहनाज भी कूद पड़ती हैं और आसिम को कहती हैं कि वो फिर कभी जम्मू के साथ पंजाब का नाम नहीं लेंगे। इसके बाद घर की मालकिन अमीषा की फिर से घर में एंट्री होती है और वो लाती हैं अपने साथ एक नया टास्क जिसमें लड़कों के कपड़े उतार कर उनके बारे में बैड इंप्रेशन लिपस्टिक से बॉडी पर लिखना था। इसमें अबू मलिक और आसिम के कपड़े उतारे जाते हैं और उनके बारे में बैड इंप्रेशन लिखा जाता है। आसिम के बारे में लिखा जाता है शॉर्ट टेम्पर्ड और अबू मलिक के लिए लिखा जाता है लाउड क्योंकि वो काफी जोर से बोलते हैं। इसके बाद अमीषा दो लड़कों को चुनकर ब्लाइंड फोल्ड पहनाकर उनसे गेसिंग गेम खिलवाने को बोलती है और आंखों पर पट्टी बांधकर लड़कियों का हाथ अपने हाथ में लेकर लड़कियों को पहचानने के लिए कहती हैं। इसके बाद लड़कों से रैंप वॉक भी करवाई जाती हैं। लड़कियां उनका मेकअप करती हैं और लड़के करते हैं रैंप वॉक। इसके बाद अबू मलिक अमीषा के लिए पूल में उतर कर सॉन्ग सुनाते हैं। इसके बाद अमीषा सिद्धार्थ डे को पूल में उतर कर उनके लिए शायरी बोलने को कहती हैं और सिद्धार्थ अमीषा के लिए शायरी बोलते हैं। कुल मिलाकर पूरे टास्क को घर वाले बहुत एंजॉय करते हुए नजर आते हैं। इसके बाद असीम और पारस को ब्लैक हार्ट दिया जाता है जिसका रिजल्ट आने वाले दिनों में पता चलेगा। फिर हमेशा की तरह कंटेस्टेंट एक दूसरे से गॉसिप्स करने में लग जाते हैं। अब आगे की कहानी आपको पता पड़ेगी नेक्स्ट एपिसोड में। सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स।